डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। और आज मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मैंने सोचा मैं अपने साथ आप लोगों को भी माँ गंगा हर की पौड़ी के आपको दर्शन करवा दूँ, और आप लोग इसका आनंद लीजिए। प्रॉपर्टी की बात प्रॉपर्टी के तरीके से होगी, लेकिन यहाँ आके किसी के साथ कोई भी कष्ट है तो वो एक डुबकी हम माँ के नाम की लगा ले, इस गंगा में आकर डुबकी लगा ले, तो उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। आप देखिए, श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नहाते हुए आप देख सकते हैं सबको, माँ गंगा जल का शुद्ध पवित्र पानी आप यहाँ देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच से ये गंगा गुजरती हुई, शुद्ध से शुद्ध पानी जो यहाँ मिलता है। और एक बार आप स्नान कर लेते हैं, सर्दी में घरों में गर्म पानी में नहाते हैं, ठंडे पानी में नहाने के बाद आपका शरीर बिल्कुल खुल जाएगा, जितने भी आपके पाप कर्म हैं सब धुल जाएंगे, और इसके साथ में आपके ज़िंदगी का एक नया अध्याय लिखना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप आनंद लीजिए पूरी इस हर की पौड़ी का, आप दृश्य देख सकते हैं, पानी आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच से पानी आता हुआ, गदगद की आवाज़ से पानी जा रहा है। लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं ठंडे पानी में, बर्फ़ जैसा शीतल पानी है, लेकिन फिर भी लोग मस्ती में नहा रहे हैं। आप लोग भी कभी हर की पौड़ी हरिद्वार में आइए, कहीं से भी कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो ये ऑन साइट की वीडियो है आज की, दिसंबर 10 तारीख की वीडियो है। आप लोग इसको देख सकते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए पानी गदगद बह रहा है। आप देखिए, आप इसका आनंद लीजिए। श्रद्धालु कैसे पौड़ियों पर बैठते हैं, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े बदल रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है। आप देखिए श्री गंगा सभा को देखिए आप, यहाँ आने के बाद आप लोग मोहन पूरी सब्जी और छोले का स्वाद ले सकते हैं, मिठाई का स्वाद ले सकते हैं, लस्सी का स्वाद ले सकते हैं। बहुत ही पुराने जो व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं और अलग ही इनका स्वाद है। और विंडो शॉपिंग के लिए बच्चों के साथ आए, बड़ों के साथ आए, बुजुर्ग के साथ आए, कोई ना कोई सामान हर एक के मतलब का मिल जाएगा। इसके साथ ये जो जगह है बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ राम जी भगवान हमारे जो अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, उन्होंने भी आके कभी डुबकी लगाई थी जहाँ तक मुझे ज्ञान है। और ये हर की पौड़ी आज की नहीं, बहुत ही पुराने समय से हर की पौड़ी नाम इसको दिया हुआ है। हर की पौड़ी का मतलब भगवान का स्थल। और इस पवित्र गंगा जल में जो भी स्नान कर लेता है, ये सोचो उसको डुबकी से पहले जो वहाँ था, डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल के आता है तो उसकी अलग से इच्छा, अलग से उसका ध्यान, अलग से उसका शरीर बन जाता है, और उसकी सोच भी बदल जाती है कि मुझे अपने लिए भी करना है, औरों के लिए भी करना है। और उसके साथ इस माँ गंगा का आशीर्वाद होता है। और जैसे कहा जाता है, मानो तो मैं बहता पानी हूँ और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ये आपके ऊपर है। एन्जॉय दिस हर की पौड़ी गंगा जल जो आप देख रहे हैं। थैंक्स डियर, दिस इज द वीडियो ऑन साइट विच आई हैव सूटेड टुडे फॉर यू। थैंक यू।